बीसीसीएल के 67 कर्मियों को ओवरमैन से सीनियर ऑफिसर माइनिंग के पद पर प्रमोशन मिलने पर शनिवार को बीसीसीएल सीएमडी और इनमोसा की तरफ से सम्मानित किया गया। दरअसल पूरे कोल इंडिया से 490 एम्प्लॉयज का प्रमोशन हुआ है, जिसमें बीसीसीएल के 67 एम्प्लॉयज शामिल हैं। इस मौके पर बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता, डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग उदय एकावले, डायरेक्टर पर्सनल एमके रमैया, डायरेक्टर फाइनेंस आरके सहाय, इनमोसा के महामंत्री पीएन मिश्रा, उप महामंत्री कुश कुमार सिंह, बीसीसीएल के जीएम एडमिनिस्ट्रेशन सुरेंद्र भूषण, जीएमपीआईआर विद्युत साहा, एसके सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सभी ने प्रमोशन पाने वाले कर्मियों को बधाई दी और आने वाले समय में और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। देखिए, पहले बात तो ये है कि इन लोग जो करके दिखाए, ये काफ़ी कठिन बात था। ना केवल इसका ड्यूटी कठिन था, ये नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव बनना, और देखिए जैसे इसमें ये भी मिसाल है कि कोई लोडर से भी आज देखिए एग्जीक्यूटिव बनना, तो ये खाली बीसीसीएल तथा कोल इंडिया नहीं, मेरा ख्याल से ये सारा भारत में एक दृष्टांत कि अगर किसी का मेहनत और डेडिकेशन रहेगा तो कोई भी ऊंचाई पर वो जा सकता है, ये प्रमाणित करता है। ये लोग हम लोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट था, तो इसका कमी तो महसूस होगा। अभी कोई आके फिलअप करेगा वो तो बात है, बट इन लोग बीसीसीएल का नस नस जानते थे। मैं ये भी अपेक्षा रखूंगा कि जो इनमोसा का बाकी लोग है इधर, वो जो आएगा उनको ट्रेन कर लेगा। जहां तक इन लोगों का सवाल है, उधर जाके ये लोग जरूर इनका पारदर्शिता दिखाएगा, जो ऑलरेडी इनका प्रमोशन से प्रूव होता है कि ये लोग पारदर्शी है, और उधर जाके अच्छा काम करेगा जो कोल इंडिया का परिवार का ही काम आएगा। कोल इंडिया एज ए होल इसका लाभ हम लोग उठाएंगे सब कोई, तो इसके लिए मैं पुनः इन लोगों को फिर से बधाई देता हूँ। मेरा नाम कुश कुमार सिंह, डिप्टी जी एस इनमोसा बीसीसीएल के हैं। यहाँ के जो अभी हमारे बीसीसीएल के जो एक टीम बना हुआ है, जिसमें सीएमडी हैं, डीटी हैं, डीपी हैं, डीएफ हैं, ये एक ग्रुप बन गया है, और एक ग्रुप बन के ये लोग काम कर रहे हैं, उसमें इनमोसा को शामिल किए हुए हैं, और इनमोसा पर इनको बहुत विश्वास है सारे टीम को, इसलिए इनमोसा जो भी कंपनी का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में इनमोसा पूरे अपनी शक्ति से प्रोडक्शन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 36 मिलियन टन किया, और इस बार 41 मिलियन टन का आदेश हुआ है। इसमें इनमोसा के सबसे ज़्यादा सबसे अधिक योगदान है और योगदान रहेगा भारत कोकिंग कोल में। तो जो टारगेट बढ़ाया गया उसकी जिम्मेवारी भी आप ही लोग? हाँ, एकदम 100% इनमोसा मेरा जिम्मेवार है, क्योंकि यही एक रीड है। यहाँ पर लोग मैनेजर आते हैं, जीएम बन के जाते हैं, प्रोजेक्ट अफसर आते हैं, वो भी चले जाते हैं, लेकिन एक इनमोसा है जो अस्थाई खदान के बारे में जानकारी है, और वही जो आते हैं उनको दिखाया जाता है, इसलिए इनमोसा को रीड माना जाता है इस कोल इंडिया का। इसलिए हम लोग आज जो है इन लोगों को सीएमजी के द्वारा एक आशीर्वाद के रूप में करवाए हैं कि ये लोग को भी हौसला बुलंद हो, और जिस कंपनी में जाए उस कंपनी का रोशन हो कि भारत को किंग कोल से आया है, इसलिए काम करेगा, इसलिए मैं ये काम किया हूँ। जय इनमोसा। आपके जो सहयोगी हैं, काउंटर पार्ट हैं, वो प्रमोट होकर एग्जीक्यूटिव बने, तो पहले उनके बारे में बताएं। मैं पहले तो उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से वो सक्षम रहे हैं कि आज नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव बने हैं। आशा उनसे ही हम करेंगे कि जैसे यहाँ अपना नाम रोशन करवाए बीसीसीएल का, जहाँ भी जाएँ, जिस घर में भी जाएँ, उसका नाम रोशन हो। यहाँ जैसे वो फर्स्ट स्टूट किए इस कंपनी में, उनके माध्यम से कंपनी स्टूट किया फर्स्ट, हम सोचेंगे कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी जाकर उस कंपनी को स्टूट करवाएं फर्स्ट। और दूसरा चीज़ है कि उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने जूनियर्स को भी बढ़िया बनने का उपदेश हो।